नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज आपको हम ले चलेंगे साल 1997 में। तारीख होगी 11 अगस्त 1997 और उस वक्त बिहार की सरकार में राजनीतिक अस्थिरता थी। लालू यादव चारा घोटाले में फंसने के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे चुके थे, जेल जा चुके थे। राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी, लालू यादव की पत्नी, और 15 अगस्त 1997 को पहली बार गांधी मैदान में राबड़ी देवी को झंडोत्तोलन करना था स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। वैसे भी जब स्वतंत्रता दिवस आता है, गणतंत्र दिवस आता है, तो यह एक परंपरा है और एक सुरक्षा मानक है कि देश के तमाम बड़े शहरों में, विशेषकर राजधानियों में, पिछले कई दिनों से 15 अगस्त के पहले चाक चौबंद बढ़ा दी जाती है, पुलिस की गश्ती बढ़ा दी जाती है। लेकिन इसी बीच 11 अगस्त 1997 को रात 11 बजे पटना में एक ऐसी वारदात हो जाती है जिसकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते थे। देखिए, पहले तो ये खबर आती है कि स्टेनगन से अंधाधुंध गोलियां चली, लेकिन बाद में जो गोलियां मिली थी और पोस्टमार्टम से शरीर के भीतर जिन गोलियों को पाया गया, वो गोलियां AK-47 की मिली थी, 9mm पिस्टल की मिली थी। और ये शायद पहली बार तब के दौर में पटना में मुख्य सड़क पर AK-47 से गोलीबारी हुई थी और इस गोलीबारी में 3 लोग मारे गए थे। यह गोलीबारी भी किसी थाना से बहुत दूर नहीं हुई थी। ठीक रात 11 बजे AK-47 से यह बर्स्ट फायरिंग पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रवेश करने वाले अशोक राजपथ के मुहाने पर हुई थी। यदि आपको पटना का एहसास है, पटना की जानकारी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि PMCH में अशोक राजपथ से जहां से प्रवेश करते हैं, वहां से पिरवहोर थाने की दूरी बिल्कुल करीब है, और कोई भी गोलीबारी हो, गोली चले, इसकी आवाज़ पिरवहोर थाने तक न पहुंचे, यह बात समझी नहीं जा सकती है। लेकिन AK-47 की बर्स्ट फायरिंग हो गई थी, 3 लोग मारे गए थे, चौथा घायल होकर 5 गोलियां खाकर रिक्शे पर सवार होकर PMCH पहुंचा था, तब जाकर पुलिस को मालूम हुआ था कि अशोक राजपथ पर इतनी बड़ी घटना घट गई। तो देखिए, अब घटना को वृत्तांत से बताते हैं। एक शख्स था जिसका नाम था विनोद गोप, पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के किला रोड का रहने वाला। लेकिन 11 अगस्त 1997 को यदि हम विनोद गोप को पढ़ना चाहें, विनोद गोप को जानना चाहें, तो वह तस्करी की दुनिया का एक बड़ा आदमी था पटना में। हालांकि उसके रिकॉर्ड जो पहले थे वो आपराधिक रिकॉर्ड थे, और पुलिस ने, पटना पुलिस ने कई मामलों में इसके खिलाफ चार्जशीट भी कर रखा था। पटना सिटी में जो गिरोहबंदी थी उसमें विनोद गोप की अदावत तब के राम बाबू गोप के साथ थी, जो उस वक्त में पटना सिटी का सबसे बड़ा बदमाश था और बेऊर जेल में बंद था। तो इन दोनों की अदावत थी। अब घटनाक्रम देखिए, और आपको याद दिला दें कि इस घटना में, इस वारदात में एक जूली भी मारी गई थी, वो पंजाबन थी और पटना सिटी के लोग उसे हुस्न परी कहा करते थे। पटना सिटी की तब के दौर में वह सबसे खूबसूरत बाला मानी जाती थी। यह विनोद गोप की गर्लफ्रेंड थी। अब देखिए, यह वारदात हुई कैसे, आपको हम बताते हैं। विनोद गोप जूली के प्रेम जाल में गिरफ्तार था,
और जूली के साथ ही उसका वक्त देर रात तक गुजरता था। 11 अगस्त 1997 को वह अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ रात को 8 बजे के करीब मारुति कार से, जिसका नंबर था BR1K9229, से पटना के लिए निकला था। बीच रास्ते में वह आलमगंज में BNR ट्रेनिंग कॉलेज के पास रुका, किसी से मिला। अब जिससे मुलाकात हुई वह कौन था किसी को जानकारी नहीं मिली, लेकिन जब वह पटना सिटी से निकला था तब इसके पहले वह एक स्टील कारोबारी के साथ जमा हुआ था। यह बात भी सभी को घटना के बाद मालूम हुई थी। और विनोद गोफ, जूली जो उसकी गर्लफ्रेंड थे, इन दोनों के अलावा इस मारुति कार में ड्राइवर पप्पू था जो गाड़ी को चला रहा था। इसके अलावा एक पिंकू था जो पटना सिटी के ही लल्लू बाबू के कूचा मोहल्ले के रहने वाला था। और पिंकू ने इस गाड़ी में विनोद गोफ की राइफल को संभाल रखा था। तो ये पटना सिटी से चलकर अब गर्लफ्रेंड की मायाजाल में आप गिरफ्तार होते हैं, तो गर्लफ्रेंड की हर सौगात को आपको पूरा करना पड़ता है, हर डिमांड को पूरा करना होता है। पैसे तो थे ही, तस्करी में कितना पैसा होता है ये आपको पता है। तो ये सभी चाणक्य होटल आए, पटना के प्रतिष्ठित चाणक्य होटल में आर ब्लॉक के पास है। वहाँ इन लोगों ने रात को डिनर किया, मजे से किया, कोई शक सुभा नहीं था, पैसे की कमी नहीं थी। पैसे की कमी क्यों नहीं थी और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं यह आगे आपको बताएंगे। तो डिनर करने के बाद ये सभी वापस जाने को, मतलब पटना सिटी जाने को, चाणक्य होटल से निकले। घटना घटने के बाद ऐसा मालूम हुआ, लगता था कि एक मारुति वैन विनोद गोप की मारुति कार को चाणक्य होटल से ही पीछा करने लगी थी, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही थी या जगह उन लोगों ने पहले से तय कर रखी थी। जब इनकम टैक्स चौराहा, दकमंगला चौराहा, गांधी मैदान होते हुए ये अशोक राजपथ पर गए, पिरबहोर थाना से आगे बढ़ गए, PMCH के करीब पहुंच गए, तो ये जो मारुति वैन पीछे थी उसने मारुति कार को, जिस पर विनोद गोप अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ पीछे बैठा हुआ था, उसे ओवरटेक करने की कोशिश की। और ओवरटेक करने के दौरान ही गाड़ी को ठोकर मारी, मारुति कार को ठोकर लगी। जो विनोद गोप की गाड़ी चला रहा था पप्पू, वह घबरा गया, लेकिन संभलने का कोई मौका नहीं मिला। गाड़ी में राइफल जरूर थी विनोद गोप के पास, विनोद गोप का राइफल लेकर पिंकू बैठा था, लेकिन इसके पहले ही उस मारुति वैन से, AK-47 से, जिसे पहले स्टेनगन माना गया था, और 9mm की पिस्तौल से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। बस कुछ सेकंड में हत्यारों ने यह मान लिया कि चारों के चार खलास कर दिए गए हैं, कोई जिंदा नहीं बचा है। इसके बाद मारुति वैन किस दिशा में गई, आगे जाकर कहां से मुड़ी, उस दौर में कोई CCTV हुआ नहीं करता था, कुछ पता नहीं चला। पुलिस को जानकारी तक नहीं मिली कि अशोक राजपथ पर PMCH के पास इतनी बड़ी वारदात हो गई है। जो हत्यारे थे, जिन लोगों ने हत्या की थी, वो तो यह मान कर गए थे कि चारों के चार मर गए, पर 5 गोलियां खाने के बाद भी ये जो ड्राइवर था पप्पू, वह घायल था। उसने अपने को किसी तरीके से मारुति कार से बाहर निकाला, किसी रिक्शे वाले ने उसे रिक्शे पर बैठाया और वह PMCH पहुंच गया। जब वह PMCH पहुंचा तब इस घटना की भनक, इस घटना की खबर पिरबहोर थाने को लगी। पिरबहोर थाने मौका वारदात पर पहुंचे, मारुति कार के भीतर 3 लाशें पड़ी हुई थी, साथ में राइफल भी और 2 लाख रुपए भी। तो देखिए, अब तो यह बात स्पष्ट हो गई कि जो हत्यारे थे उनका उद्देश्य हथियार लूटना नहीं था, रुपए को लूटना नहीं था, इन बातों से उसका कोई वास्ता नहीं था। वास्ता सिर्फ और सिर्फ था
कि विनोद गोप और उसके साथ रहे तमाम लोगों को खल्लास कर देना है। तो यह घटना बहुत बड़ी घटना हो गई। 15 अगस्त के पहले राबड़ी देवी को झंडोत्तोलन करना था। अब पुलिस वालों के तो होश ही उड़ गए, तो पुलिस वालों ने तुरंत फटाफट विनोद गोप का इतिहास तलाशना शुरू किया। विनोद गोप कोई ऐसा अनजान नहीं था जिसके बारे में जानकारी जुटाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती। तो सबसे पहले शक पुलिस वालों को राम बाबू गोप पर ही गया, जिसकी टूटी पटना सिटी में बोल रही थी, जिसका भय पटना सिटी में नाचता था, जिसका खौफ पटना सिटी में था। तो उस वक्त में राम बाबू गोप और श्याम बाबू गोप दोनों बेऊर जेल में बंद थे। तो रात को बेऊर जेल में पूछताछ तो हो नहीं सकती थी। तो पुलिस वालों ने यह किया कि राम बाबू गोप के पिता जो सिटी में ही रहते थे उन्हें उठा लिया। फिर इसके साथ राम बाबू गोप के परिवार के करीबी रहे सिपाही गोप व एक और व्यक्ति को उठाया गया, उनसे पूछताछ शुरू हुई। लेकिन इस पूछताछ में बहुत दम नहीं निकला और इसकी दो वजह थी। पहली वजह यह थी कि जिस तरीके के हथियार से, पहले तो स्टैंडगन ही माना गया था, बाद में AK-47 की पुष्टि हुई, इस तरीके के हथियार राम बाबू गोप के पास होने का कोई प्रमाण नहीं था, तो यह लगा कि कोई और बड़ा गिरोह है। फिर भी राम बाबू गोप के साथ अदावत और झगड़े की वजह जानने की कोशिश की गई तो मालूम यह हुआ कि अपराध की दुनिया में राम बाबू गोप की हनक तो थी ही, लेकिन राम बाबू गोप ने इसके साथ ही तस्करी स्मगलिंग का काम भी शुरू किया था। लौंग, इलायची और रेशमी धागों की उस समय स्मगलिंग होती थी। तो 2 महीने पूर्व जहां राम बाबू गोप का माल रखा होता था वहां रेड हो गई थी और इसमें बड़ी जब्ती हुई थी। राम बाबू गोप का मानना यह था कि यह जो रेड हुई है इसके पीछे विनोद गोप की मुखबिरी है, इसलिए इन दोनों की अदावत शुरू हो गई। तो पुलिस ने एक इस मसले पर भी जांच शुरू की, लेकिन इस ओर लीस आगे जाकर और बहुत नहीं मिले। अब पुलिस ने अपना ध्यान तस्करी स्मगलिंग को किया कि स्मगलिंग के पीछे विनोद गोप का धंधा कहां कहां किसके किसके साथ था। स्मगलिंग का सिंडिकेट बहुत बड़ा होता है, आपको पता है, और तब के दौर में स्मगलिंग नेपाल के जरिए होता था। जो बड़े सिंडिकेट थे वे नेपाल में बैठा करते थे। तो मालूम ये हुआ कि ये जो लौंग, इलायची और रेशमी धागों की तस्करी थी, पैसा किसी और का लगा होता था और सौदा यहां विनोद गोप करता था, फिर मुनाफे में हिस्से का बंटवारा होता था। तो 2 तरीके की जानकारियां आई। एक पारस नाम के एक बड़े स्मगलर के बारे में जानकारी मिली कि उसके माल को पटना सिटी में जब्त किया गया विनोद गोप के ठिकाने से। तो पटना सिटी में माल जब्ती हो तो इसकी जवाबदेही विनोद गोप की होती थी, न कि जो माल भेजता था तस्करी का। लेकिन विनोद गोप ने अपने रुआब में अगले पर यह सौदा फोड़ दिया, कहा कि माल जब्त हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, और इसमें नुकसान दिखा दिया गया। कहा गया कि 14 लाख का कर्जा आप पर हो गया, मतलब जिस व्यक्ति ने भेजा था, जब्ती हुई थी, यहां जब्ती की थी कस्टम वालों ने। इसके बाद जो हिसाब किताब हुआ उसमें 60 लाख रुपए का और बकाया दिखा दिया गया, नुकसान दिखाया गया। तो एक एंगल यह भी आया, लेकिन इससे बड़ी जानकारी जो मिली वह मिली एक एम भाई के बारे में। तस्करी की दुनिया का तब यह एम भाई एक बहुत बड़ा नाम था और इसका सीधा संपर्क विनोद गोप से था। आप यह भी कह सकते हैं कि एम भाई का पटना में एजेंट विनोद गोप था। तो यह एम भाई कौन था? तो ये एम भाई जब डिकोड किया जाने लगा तो मालूम हुआ कि इसका नाम मुरारी भाई है। तस्करी की दुनिया में बेताज बादशाह है, लोग उसे एम भाई ही कहते हैं और यह इंदौर का रहने वाला है। इंदौर मतलब मध्य प्रदेश का, लेकिन नेपाल में रहता है। खबर यह मिली कि इसके 2 ट्रक जो रेशमी धागे थे
वो पटना सिटी में गायब करा दिए गए थे। और एम भाई का मानना यह था कि यह गायब जो हुआ है ट्रक, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है, वह विनोद गोप ने ही कराया है। पर विनोद गोप यह मानने को तैयार नहीं था और विनोद गोप ने एम भाई का फोन रिसीव करना बंद कर दिया और यह कहना शुरू किया कि तुमसे फरिया लेंगे। उसने कहा कि ठीक है, तुमने गायब नहीं कराया तो यह जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दो। तो विनोद गोप इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। अब एक दूसरे के बीच तनातनी की स्थिति हो गई, देखने और फरिया लेने की बात होने लगी। तो जांच में यह बात आई कि एम भाई ने विनोद गोप की हत्या की सुपारी बिहार के कुछ बड़े अपराधियों को दी। याद रखिएगा, जिस रात हत्या हुई, पिरबहोर पुलिस ने एक ओर रामबाग गोप के परिजनों को उठाया तो दूसरी ओर सब्जीबाग मोहल्ले से सोए हुए अवस्था से मुमताज को बुलाया था। मुमताज भी नामचीन था, लेकिन मुमताज और विनोद गोप के रिश्ते अच्छे थे इसलिए मुमताज से बहुत जानकारी नहीं मिलनी थी। हाँ, विनोद गोप क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, यह जानकारी तो मिल रही थी। तो एम भाई ने, देखिए, तस्करी के धंधे का एक सिद्धांत है कि बेईमानी कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि माना यह जाता है कि यदि कोई भी मिडिल मैन है या कोई भी कैरियर है या कोई भी रिसीवर है, यदि उसने माल गायब करना शुरू कर दिया तो तस्करी का धंधा आगे नहीं जा सकता है, इसमें नुकसान ही नुकसान होगा। तो विनोद गोप के बारे में ये जो मुरारी भाई था, इंदौर का रहने वाला, जिसे लोग एम भाई कहते थे, वह तय कर चुका था कि अब विनोद गोप को रास्ते से हटाना ही होगा। तो पटना पुलिस की एक बड़ी टीम बनी जिसे एम भाई के पीछे लगाया गया। मोहम्मद हसनैन पटना पुलिस के तेज तर्रार इंस्पेक्टर थे, आलोक सब इंस्पेक्टर थे, और भी कुछ पुलिस पदाधिकारियों की टीम बनी। पहले इन लोगों ने इंदौर विजिट किया, इंदौर में बहुत जानकारी नहीं मिली एम भाई के बारे में। मालूम हुआ कि उसका ठीक है रहने वाला, वो यहाँ का जरूर है, लेकिन उसका जो असली ठिकाना है वह नेपाल है। अब नेपाल में कहाँ एम भाई मिलेगा और कैसे मिलेगा, यह एक बड़ा टास्क था, किसी दूसरे देश में जाकर ऑपरेशन करना। लेकिन पटना पुलिस ने इसके लिए भी तैयारी की। पटना पुलिस के कई पुलिस वाले, जिसमें मोहम्मद हसनैन भी शामिल थे, जैसा हमारे खबरी बताते हैं, वे हथियार के साथ जनकपुर, माता सीता की धरती, वहां तक चले गए। मालूम यह हुआ कि जनकपुर इलाके में ही ये जो एम भाई है उसका डेरा डंडा है। हमारे खबरी कहते हैं कि ये जो पटना पुलिस वाले थे, वहाँ एक ग्राम प्रधान किस्म के व्यक्ति के यहाँ कोई हफ्ते भर ठहरे रहे और इस बात का इंतजार करते रहे कि एम भाई के बारे में बहुत सटीक सूचना मिल जाए। लेकिन देखिए, एम भाई का नेटवर्क इससे ज़्यादा सॉलिड था, तस्करों का नेटवर्क सॉलिड होता ही होता है। पटना पुलिस की बड़ी टीम को एम भाई का आखिरी ठिकाना नहीं मिला, लेकिन एम भाई को इस बात की जानकारी मिल गई कि बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस नेपाल आई हुई है, जनकपुर में यहां ठहरी हुई है। तो उसने नेपाल में जिन लोगों ने पुलिस को आश्रय दिया था, ठिकाना दिया था, इंतजार करने का वक्त दिया था, उन्हें खबर कराया कि ये आप क्या करा रहे हैं। तो जब ये जानकारी आउट हो गई तो इसके बाद एम भाई का मिलना कहाँ था, मुरारी भाई का मिलना कहाँ था। फिर बाद में जब पटना पुलिस पीछे लगी तो एम भाई तो कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन मुरारी भाई ने, जो ये तस्कर सम्राट था, उसने यह खबर भिजवा दी कि हाँ, हमने हत्या कराई है विनोद गोप की। हमारा मकसद विनोद गोप को माना था, हमारा मकसद हुस्नपरी या पटना सिटी की तब की सबसे सुंदर लड़की कही जाने वाली जूली को माना नहीं था, पिंकू को माना नहीं था। हाँ, विनोद गोप को माना था, इसलिए मार दिए। तो विनोद गोप को मारा कैसे गया, एम भाई तो आया नहीं था।
तो खबर यह मिली कि विनोद गोप को मारने की सुपारिश सिवान के एक अपराधी को दी गई थी जिसके ताल्लुकात पटना में भी थे, और सिवान के उसी अपराधी ने पटना आकर इस वारदात को अंजाम दिया। AK-47 भी सिवान से आया था, 9mm भी सिवान से आया था, और ये अपराधी जो आए थे सिवान से वे पिछले 3 दिनों से पटना में थे। पहले ये प्लान हुआ था कि जब रात को ये पटना सिटी में विनोद गोप जूली के साथ होता है तभी वहाँ हमला कर हत्या कर दी जाए, लेकिन वो इलाके थोड़ी घनी आबादी वाले थे, वहाँ हत्या कर फिर भागना, वैसे भी पटना सिटी में बहुत सकरी गलियाँ हैं आपको पता है, भागना मुश्किल होता। तो फिर ये इंतज़ार करने लगे कि पटना की ओर ये कब निकलेगा, और जब 11 अगस्त 1997 को रात 8 बजे के करीब जब विनोद गोप जूली के साथ पटना की ओर बढ़ा तो जो इनके लिए रैकी कर रहा था उसने सब कुछ बता दिया कि अब पटना आ गया है, चाणक्य होटल में है, वहीं डिनर करेगा, यहाँ से निकलेगा, फिर इस रास्ते से ही वापस जाएगा, इस रास्ते में यहाँ यहाँ अटैक करने के लिए सेफ जोन है, और उसी के मुताबिक वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस तरीके से पटना में पहली बार 11 अगस्त 1997 को AK-47 से हत्या हुई थी। 4 दिनों के बाद मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करना था, जाहिर तौर पर इस वारदात ने पटना को हिला दिया था। पटना पुलिस बहुत दिनों तक कोशिश करती रही लेकिन एम भाई का पता नहीं चला, और जब एम भाई का पता नहीं चला तो यह भी पता नहीं चला कि एम भाई से सुपारी लेकर पटना में आकर हत्या करने वाला सिवान का वह अपराधी कौन था। तो इस तरीके से यह कहानी पुलिस फाइल में ही बंद रह गई, कभी पटाक्षेप हुआ ही नहीं। आज भी पटना सिटी के लोग याद करते हैं विनोद गोप को, जो जानते हैं उन्हें पूरी घटना की जानकारी होगी। तो आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं, और चलते चलते जैसा हम निवेदन करते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कहानी सुनाना चाहते हैं, कहानी तो मैं रोज़ ही सुनाता हूँ, या मुझसे सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें ज्ञानेश्वर@gmail.com पर मेल करें, संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेजें, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आज दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, कल रात मिलते हैं फिर से ठीक 9 बजे।